बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सरचार्ज वाला हमने एक सवाल किया था, इस तरह के शेप का फाउंडेशन असल में जो बनती है वो इसी तरह बनती है कि उसकी ये जो साइड्स होती हैं ये भी होती हैं, शीट पाइल वगैरह होती हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं होती, लेकिन आम तौर पे ये हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी ये हाइट है एच नोट, इसमें सरचार्ज भी गिवन है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि यहाँ पर बेसमेंट हमने लगाई हुई, इस तरफ सॉइल है इस तरफ बेसमेंट है, यानी ये स्ट्रोंग बहुत स्ट्रोंग हो गई है। और स्ट्रोंग हो गई इसका मतलब ना इसमें एक्टिव फेलियर आएगा ना इसमें पैसिव फेलियर आएगा, तो ये रेस्ट पे रहेगी अपनी जगह। एट रेस्ट का मतलब है इसमें के एक्टिव या के पैसिव नहीं निकालेंगे। के एक्टिव क्या निकाल रहे थे, के पैसिव क्या निकाल रहे थे, के पी। दोनों के फार्मूले में थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे के नोट निकालेंगे यानी एट रेस्ट। अब के नोट के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक ये है 1 - sin φ, ये ड्राई सेंड के लिए होता है, और दूसरा है यहाँ पे, सॉरी मैं नोट देना भूल गया, यानी जीरो की साइन जो होती है के नोट है ये भी, 1 - sin φ मल्टीप्लाई बाय OCR, ये फाइन ग्रेन सोइल सोइल के लिए होता है। अब OCR क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो ऑफ सोइल। अब जाहिर है अगर ये हमें फार्मूला यूज़ करना होगा तो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो रेशियो जो है वो गिविन होगा सवाल में, लेकिन इस सवाल में गिविन नहीं था, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारी जो सोइल है वो ड्राई सेंड है। इसमें क्योंकि बताया भी नहीं हुआ था कि कौन सी सोइल है, ड्राई सेंड है फाइन ग्रेन है। बहरहाल तो के नोट का ये फार्मूला हमने यूज़ करके यहाँ से के नोट निकाला। अब आगे का प्रोसीजर, इससे पहले हमने एक सवाल किया था सरचार्ज वाला, जिसकी फिगर इसी तरह की थी, सेम टू सेम तकरीबन, लेकिन उसमें यहाँ पे बेसमेंट नहीं थी, तो अब वही यूज़ होगा, सिर्फ हमारा के नोट जो है वो चेंज हुआ था, बाकी सारा प्रोसीजर उसी सवाल की तरह होगा जो इससे पहले हमने किया, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बी। थैंक यू।